नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। नई सुबह कुकिंग ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद, मैं हूं फिजा हुसैन और हमारी आज की रेसिपी है दाल चावल। मूंग मसूर की दाल बनाने के अज्जा: मूंग की दाल हाफ कप, मसूर की दाल हाफ कप, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक हसबे जायका। दाल को तड़का लगाने के अज्जा: कुकिंग ऑयल हाफ कप, लहसुन के जवे 5 से 6 अदद, कड़ी पत्ते की 1 लड़ी, साबुत जीरा 1 टेबल स्पून, साबुत लाल मिर्चें 4 से 5 अदद। सबसे पहले एक कुकिंग पैन में मूंग मसूर की दाल शामिल करके उसमें 3 से 4 ग्लास पानी शामिल कर दें। पानी शामिल करने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और हसबे जायका नमक शामिल करके पैन को पकने के लिए चूल्हे पर रख दें, लेकिन दाल के पैन को तब तक से कवर ना करें जब दाल में 1 से 2 मर्तबा उबाल आ जाए। दाल के पैन में लकड़ी का स्पून शामिल कर दें ताकि दाल उबल के ज़ाया होने से महफूज हो जाए। जैसे ही दाल उबलने लगे चम्मच से उसको हिलाएँ और इसी तरह जब 1 से 2 दफ़ा दाल उबल जाए तो चूल्हे की आँच हल्की करके पैन कवर करके दाल को हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दें। जब दाल अच्छे से गल जाए तो दूसरी तरफ एक फ्राइंग पैन में कुकिंग ऑयल शामिल करें, साथ ही लहसुन चॉप्ड किया हुआ शामिल करें। जब लहसुन हल्का सा फ्राई हो जाए तो इसमें कड़ी पत्ता, जीरा और साबुत लाल मिर्चें शामिल करें। जब आपका तड़का तैयार हो जाए तो ये तड़का दाल में शामिल करें, लेकिन अगर आपने बिल्कुल नई कुकिंग स्टार्ट की है तो आप तड़का दाल में शामिल करने के बजाय दाल को तड़के में शामिल कर दें, यानी किसी ऐसे कुकिंग पैन या कढ़ाई में तड़के का मसाला तैयार करें जिसमें मुकम्मल दाल आ जाए। जब आपका तड़का तैयार हो तो इसमें दाल शामिल करके 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएं और चूल्हा बंद करके पैन कवर कर दें। आपकी मज़ेदार सी सादी सी मूँग मसूर की दाल तैयार है। खट्टी मूँग मसूर की दाल बनाने की तरकीब: खट्टी मूंग मसूर की दाल बनाने के अज्जा: मूंग की दाल हाफ कप, मसूर की दाल हाफ कप, टमाटर 2 से 3 अदद दरमियानी साइज़, इमली का पेस्ट 1/4 कप, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। दाल को तड़का लगाने के अज्जा: कुकिंग ऑयल 1/4 कप, लहसुन के जवे 5 से 6 अदद, कड़ी पत्ते की 1 लड़ी, साबुत जीरा 1 टेबल स्पून और राई दाना 1 टीस्पून। सबसे पहले एक कुकिंग पैन में 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद 4 से 5 जवे लहसुन चॉप्ड करके शामिल करें। लहसुन शामिल करने के बाद इसमें क्यूब्स में कटे हुए बग़ैर छिलकों के टमाटर शामिल करें। जब टमाटर अच्छे से घुल जाएं और अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए तो इसमें ज़ीरा, धनिया, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर शामिल करें और अच्छे से भून लें। जब मसाला अच्छे से भुन जाए तो इसमें 1/4 कप इमली का पेस्ट शामिल करें। इमली का पेस्ट शामिल करने के बाद मसाले के साथ बहुत अच्छे से भूनें। फिर इसमें बॉयल की हुई मूंग मसूर की दाल शामिल करें। बॉयल मूंग मसूर की दाल शामिल करने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए दाल को मसाले में अच्छे से पकाएं ताकि तमाम मसाले जात और दाल आपस में एक जान हो जाए। जब दाल और मसाले एक जान हो जाएं तो दूसरी तरफ एक कुकिंग पैन में 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल करें। उसमें लहसुन के जवे बारीक चॉप्ड किए हुए शामिल करें। जब लहसुन हल्का सा फ्राई हो जाए तो इसमें कड़ी पत्ता, साबुत जीरा, राई दाना शामिल करें। कड़ी पत्ता, साबुत जीरा और राई दाना जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो ये तड़का दाल में शामिल कर दें और 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएं। पैन कवर करें और चूल्हा बंद कर दें।
आपकी मज़ेदार सी खट्टी मूंग मसूर की दाल तैयार है। जीरे वाले या भगार वाले चावल बनाने का तरीका। भगार वाले चावल बनाने के अज्जा। चावल 2 ग्लास, प्याज 1 बारीक कटी हुई, साबुत जीरा 1 टेबल स्पून, कड़ी पत्ता की 1 लड़ी, नमक हसबे जायका। भगार वाले चावल बनाने का तरीका। एक कुकिंग पैन में 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल करके 1 प्याज बारीक कटी हुई फ्राई करें। जब प्याज हल्की सी गोल्डन फ्राई हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून साबुत जीरा और कड़ी पत्ते शामिल करके फ्राई करें। जब कड़ी पत्ते और ज़ीरा भी फ्राई हो जाए तो इसमें चावल के लिए पानी शामिल करें। अगर आप 2 ग्लास चावल बना रहे हैं तो आप 3 ग्लास पानी शामिल करें, हसबे जायका नमक शामिल करें और चावल शामिल करके उस वक्त तक पैन कवर ना करें जब पानी में बबल्स बनना शुरू हो जाएं। जब पानी में बबल्स बनना शुरू हो जाएं और चावल हल्के से फूलना शुरू हो जाएं तो चावलों को मिक्स करके पैन को कवर करके चावलों को हल्की आंच पे 10 से 12 मिनट के लिए दम पे पकने के लिए छोड़ दें। 10 से 12 मिनट के बाद आपके मज़ेदार से भगार वाले चावल तैयार हैं। सादे चावल बॉयल करने का तरीका। एक कुकिंग पैन में 1 टेबलस्पून घी या कुकिंग ऑयल शामिल करें, फिर चावलों के हिसाब से पानी शामिल करें। अगर आप 2 ग्लास चावल बॉयल कर रहे हैं तो 3 ग्लास पानी शामिल करें और हसबे जायका नमक शामिल करें। जब पानी नीम गर्म हो जाए तो इसमें चावल शामिल करें और उस वक्त तक पैन को कवर ना करें जब तक पानी में बबल्स बनना शुरू हो जाएं। जब पानी में बबल्स बनना शुरू हो जाएं और चावल फूलने लग जाएं तो चावलों को अच्छे से मिक्स करें, पैन को कवर करें और हल्की आंच पर चावलों को दम पे पकने के लिए छोड़ दें। 10 से 12 मिनट के बाद आपके सादे चावल तैयार हैं। ये थी हमारी आज की रेसिपी दाल चावल, जिसमें हमने आपको सिंपल दाल और खट्टी दाल बनाने की रेसिपी बताई और हमने आपको भगार वाले चावल और सादे चावल बॉयल करने का तरीका बताया। उम्मीद है आपने हमारे इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।